हेलो दोस्तों, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका ओवरव्यू और बेसिक हमें पता होना चाहिए, जिससे हम जब भी उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें हमारा इंटरेस्ट बनता है। तो इस वीडियो में हम वही करेंगे, लीवर पैथोलॉजी का बेसिक और कैसे कैसे टॉपिक है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है, एक तो तुम्हारा लीवर पैथोलॉजी में जॉन्डिस होता है, एक चिरोसिस होता है। सबसे पहले जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है कि इसमें हाइपर पिलिरुबिनेमिया और येलोइंग ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा होता है। ड्यू टू येलोइंग ऑफ स्किन और स्क्लेरा क्यों होता है, जो इलास्टिक फाइबर है ना, उनके डिपोजिशन के कारण तुम्हारा ये होता है। तो इस तीन कोज हो सकते हैं, प्रीपेटिक, हिपेटिक कोज और पोस्ट हिपेटिक कोज। प्रीपेटिक मतलब लीवर से पहले तुम्हारा हिमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है, जिससे हमारा तुम्हारा जॉन्डिस होता है। हिपेटिक कोज में तुम्हारा डिफेक्टिव कॉन्जुगेशन और डिक्रीज एक्सक्रीशन फ्रॉम लीवर और तुम्हारा यूरिन के थ्रो, स्टूल के थ्रो, वो कारण हो सकता है। पोस्टपेटिक में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है बाइल डक्ट का। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने देखा कि जो हाइपरपिलिरुबिनिया होता है जॉन्डिस के अंदर, उसे कोज पता होने चाहिए। वो है हाइपरपिलिरुबिनिया, तुम्हारा बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ा है, वो तो अनकॉन्जुगेटेड भी हो सकता है और कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है। अनकॉन्जुगेटेड है तुम्हारा तीन है, फिजियोलॉजिकल, क्रिगलर नेजर सिंड्रोम एंड गिलबर्ट सिंड्रोम। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस न्यूबॉर्न में होता है, और ये तुम्हारा क्यों होता है कि प्रीमैच्योर लीवर की वजह से होता है। जो लीवर उस टाइम पूरा 100% फंक्शन नहीं करता अच्छी तरह, और तुम्हारा कॉन्जुगेशन अच्छी तरह नहीं होता है न्यूबॉर्न के अंदर। ये सेकंड होता है जो तुम्हारा कॉन्जुगेशन करवाता है, यूजीटी एंजाइम, उसकी कम एक्टिविटी होती है, और ये तुम्हारा डिक्रीज बिलिरुबिन ग्लुकुरोनाइजेशन। तो ये आपको कोज बता होनी चाहिए दोस्तों। MCQ डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और जब शॉर्ट नोट आते हैं तब भी आपको यही बताने हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। जो कॉन्जुगेटेड है वो किस कारण बढ़ सकता है, बाइली ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ये तुम्हारा ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, डिफेक्टिव कैनालिकुलर प्रोटीन, ये तुम्हारा लीवर के बाहर निकलने में हेल्प करता है बिलिरुबिन को। इसमें प्रोटीन आते हैं तो तुम्हारा बाहर निकल नहीं पाएगा और कॉन्जुगेटेड का अमाउंट बढ़ जाएगा। रोटन सिंड्रोम, डिफेक्ट इन बिलिरुबिन एक्सक्रीशन, बाइल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसमें आपको बताना चाहिए कि प्राइम बिलियरी सिरोसिस और प्राइम स्क्लेरोसिस कोलंजाइटिस एग्जाम्पल हैं। ये जब सर्जरी है, सर्जरी में हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ये पता होना चाहिए कि क्या होता है एक्यूट इन इम्यून इन्फ्लेमेशन ऑफ इंट्राहेपेटिक बाइल ट्रैक्ट, ये तुम्हारा क्रॉनिक लीवर डिजीज होती है। लीवर अडेप्ट कैसे करता है, या तो तुम्हारा नोडुल हाइपरप्लेसिया की कारण तुम्हारा अडेप्ट करने की कोशिश करता है लीवर, वो तुम्हारा दो टाइप के हो सकता है, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया और फोकल नोडुलर रीजनेटिव हाइपरप्लेसिया। कंडीशन बता देनी चाहिए दोस्तों, ये तुम्हारा इस यूज ऑफ एनाबोलिक हार्मोन की वजह से हो सकता है, ये तुम्हारा पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। और उसके अलावा आपको जो हेपेटाइटिस है उसे कोज बता होना चाहिए। वायरल हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमन होता है, ऑटोइम्यून, ड्रग एसोसिएटेड अल्कोहल और नॉन अल्कोहलिक। जो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है वो तीन टाइप की हो सकती हैं, हिपेटिक स्टोटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और अल्कोहलिक सिरोसिस। सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो फैटी लीवर आती है, उसके बाद तुम्हारा हेपेटाइटिस कंडीशन आ सकती है, और वो लास्ट तुम्हारा सिरोसिस आती है। सिरोसिस क्या होता है दोस्तों, वो हम पढ़ते हैं डिटेल में। सिरोसिस होता है कि एंड स्टेज होती है लीवर डिजीज़ की, जिसे कहा तुम्हारा फाइब्रोटिक बैंड बन जाते हैं। इसके अंदर फ्यूचर है वो पता होना चाहिए, पैथोजेनेसिस कैसे करता है ये। तो इसके कारण तुम्हारा पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो सकता है, हिपेड्रिनल सिंड्रोम हो सकता है, और डिटॉक्सिफिकेशन जो काम करता है लीवर वो कम हो सकता है। पोर्टल हाइपरटेंशन वजह से क्या क्या हो सकता है, साइटिस हो सकता है, आपको पता नहीं चाहिए क्या होता है और कितना कंसंट्रेशन हो बॉडी के अंदर, प्रोटीन कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए। कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगली हो सकता है इसके कारण, तुम्हारा पोस्ट
सिस्टेमिक सेंटोसा हो सकता है, जैसे हिमोरॉइड्स, इसोफेजियल वेरिक्स, कैप्यूट मेडुसा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस के कारण तुम्हारा क्या हो सकता है, हाइपो एल्बुमिनिया हो सकता है, एल्बुमिन का अमाउंट कम बनेगा, रिड्यूस क्लॉटिंग फैक्टर हो सकता है। डिटॉक्सिफिकेशन कम हुआ तो एक तो तुम्हारा ब्रेन को इफेक्ट करेगा इंसेफेलोपैथी, एक तुम्हारा एस्ट्रोजन मेटलिज्म कम होगा, या एस्ट्रोजन का मेटलिज्म कम होगा तो हाइपर एस्ट्रोजोनिमिया हो सकता है, जिसके कारण तुम्हारे क्या क्या कंडीशन होती है पता होना चाहिए आपको, कोज पता होना चाहिए थायरोसिस के। अल्कोहलिक लिवर डिजीज मोस्ट कॉमन होती है, वायरल हेपेटाइटिस, बिली रिट्रैक्ट डिजीज, हिमोक्रोमेटोमोसिस, विल्सन डिजीज, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी और इडियोपैथिक। इडियोपैथिक सबसे मोस्ट कॉमन होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। दोस्तों ये आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कोज क्या करते हैं, फैटी नॉन सिरोटिक फोटल हाइब्रोसिस में क्या होता है कि सिरोसिस नहीं होती है, इटियोलॉजी अननोन होती है, हिपेटिक ट्यूमर है वो हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। डायग्नोसिस हम बायोप्सी के द्वारा कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों लिवर सिरोसिस का। बिनाइन में कैवर्नोसस मेंजिमा, हिपेटिक एडिनोमा। मैलिग्नेंट में हिपेटोब्लास्टोमा, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और कोलोएंजियोकार्सिनोमा तुम्हारे एग्जांपल है। एग्जांपल पता होना चाहिए आपको लीवर सिरोसिस की, फीचर पता होना चाहिए, कोज पता होना चाहिए और तुम्हारा लीवर जॉन्डिस में के कोज, हाइपरबिलिरुबिया के टाइप, कौन कौन से डिजीज आते हैं और आपका एडेप्टेशन क्या है। तो दोस्तों यही था कि हम लीवर पैथोलॉजी ये चीज़ें पढ़ना होता है। तो दोस्तों होप कि आपको ये वीडियो फ़ायदा ही करेगी कुछ, आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय।